नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां तालाब ओवरफ्लो होने के बाद रमाला गांव के घरों में घुसा पानी, ग्रामीण हुए हलकान। बागपत जनपद के रमाला गांव से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बरसाती तालाब ओवरफ्लो होने के बाद गंदा पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया है, जिसके चलते पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि रमाला गांव के शिव मंदिर तालाब की सफाई काफी समय से नहीं हुई है, जिसके चलते पानी की निकासी बिल्कुल बंद है। आज जैसे ही तेज बारिश हुई तो तालाब ओवरफ्लो हो गया और पानी गांव की गलियों से होता हुआ घरों में घुस गया। ग्रामीणों ने धमकी दी है कि यदि इस तालाब की जल निकासी का कोई निराकरण नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। हाय हाय, ग्राम प्रधान हाय 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 हाय, करो क्या होगा। रन उड़ा आ जाता देविंदर सिंह, जिला अध्यक्ष बागपत। अच्छा देवेंद्र जी, जैसे ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मामला है पूरा? समस्या तो पहले तो समस्या यही है, जो ओडमक निकासी नहीं है पानी की, कहीं भी खास नहीं कुछ 5 साल हो लिए आदि। दूसरी समस्या है लिंक मार्क है, रमाला सोनजी को जोड़ने वाला, इस पर कड़ी सड़क है यार, और कड़ी सड़क की हालत देख लो आप, की हालत है यार। 5 साल पहले यह खुली हुई थी, इस योजना में यह सारी बंद होगी। इस योजना में कोई ग्राम प्रधान सेक्रेटरी कोई लाभ नहीं घास में, तो प्रधान को बताया इस संबंध में। या प्रधान यहाँ को रोज नहीं आता, प्रधान का खेत नहीं है यहाँ को, बारानी शब्द गांव को पता रास्ते का। तो क्या मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या फल है आप और क्या आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा, क्या है? मैं रमाला गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी अंजू देवी प्रधान है, उनके दायित्व का देख रेख कर रहा हूँ। अच्छा प्रधान जी, एक गाँव में हंगामा हो रहा है, पानी भराव को लेकर लोग शिकायतें कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है ये? सफाई जो है अभी चल रही है जी, पूर्ण नहीं हो पाई है, उसके लिए एक एस्टीमेट के लिए मैंने जय साहब को बोल दिया था, उसकी सफाई करा रहे हैं, अगली एस्टीमेट के लिए बोला हुआ है, तो जैसे ही सफाई का दौर पूरा हो जाएगा ये समस्या समाप्त हो जाएगी। कब से चला है, कब प्रस्ताव हुआ इसका, कब गया है ये? अभी जो है पिछले दिनों हमने प्रस्ताव किया था, जब प्रोसीडिंग बनी थी उसके बाद कुछ प्रायोरिटी में लिए जाते हैं काम, प्रायोरिटी में लेने के बाद जय साहब को बोल दिया था कि ऐसे ऐसे ये जो नाला है ये सफाई करानी है, इसका एस्टीमेट बनवा दो, तो उन्होंने कहा था कि हम दो टुकड़े में बनाएंगे, एक टुकड़े का जैसे बना दिया था उस पर काम चल गया, हो गया लगभग, और अगला जैसे ही बन जाएगा उसमें दूसरे में भी काम शुरू हो जाएगा। कितना पैसा आवंटित होता है शासन से इस काम के लिए? सफाई के लिए लगभग ये 3-3.5 लाख के आसपास होता है। कुछ लगाया अभी तक? अभी तो लगभग आधा लग चुका है, बगैर स्वीकृति के लगाया है पहला। कुछ रास्ते भी अवरुद्ध हैं वहाँ पर, जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वे दलित बस्तियों के अंतर्गत आते हैं, उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है कूड़ा करकट डालने के लिए, मना करने के बावजूद भी वे सभी वहाँ डाल देते हैं, और प्रतिवर्ष उसकी सफाई भी की जाती है। जैसा मना करते हैं आप, फिर भी डाल रहे हैं, तो इसके खिलाफ आपने कुछ शासन स्तर पर कार्रवाई की? समझाने बुझाने की करी मैंने, शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं की, समझाना बुझाना ही किया केवल। क्या इसमें कुछ कदम उठाएंगे अब आगे? उसमें गांव का अगर सहयोग मिलेगा और शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो उचित कार्रवाई के लिए। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रधान जी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस ओर, और जो है जितना पैसा विकास कार्य के लिए आ रहा है जी, वो सब जो है लिपापोती की गई है, और लाइट भी नहीं लगाई गई है, सोलर लाइट जो गाँव में लग रही है वो भी नहीं है। हाँ, लाइट का ऐसा है जी, हमने जब शुरुआत लाइट की हुई थी ब्लॉक स्तर पर, हमने प्रयास किया था, ब्लॉक अधिकारियों ने, हमने सभी ब्लॉक के सभी प्रधानों को, प्रतिनिधियों को मना की थी कि इसमें घपलेबाजी पकड़ी गई, पहले अन्य ब्लॉकों में उनकी जांच हुई तो हमको मना की गई, इसके बावजूद हमने मना कर दिया। तो जैसे गांव में अंधेरा हो जाता है इस समय, तो उसमें क्या विधायक जी के प्रयास से मेरे ख्याल से 20-25 लाइट लगी हैं, कुछ माननीय मंत्री जी ने लगाई हैं, हमारे MP साहब ने, तो 40-42 लाइट लगाई गई हैं, और वैसे भी अपने घरों के सामने बहुत लाइट लगी हैं, अंधेरा नहीं है गांव में। मैं प्रवीण कुमार। अच्छा प्रवीण जी, हंगामा कर रहे थे आप, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जी मामला है? ये जो तालाब है इसकी कहीं निकासी नहीं है, निकासी जो है वो बंद पड़ी है, उसको बार बार कहना का ADO होता है, DM से सब के पास जा लिए, और ये कहते हैं कि हमने तो सब नाली साफ करवा दी, जहाँ को उसका पानी निकलती है वहाँ कोई साफ सफाई नहीं है उसकी,
मेरा खेत पड़ता है, मैं रोजगार रात को भी कोई मेरा सांप खा जाए, बिच्छू खा जाए, कुछ भी खा सकता है मुझे वहाँ पर। पूरे पानी में कुछ चल के जाता है, जैसे पिछ पानी में जा रहा ऐसे ही आके खेत में हो रहा। अपने हिसाब से 30,000 रुपये की मैंने मिट्टी डलवा ली वहाँ पर, जो उसको भी फ्लो कर गया पानी। फ्लो करने के बावजूद भी मेरे खेत में पहुँच गया, वहाँ मेरा इतना नुकसान है कि बहुत ज़्यादा, ना कोई गाड़ी जा सकती, मेरी मछली तैयार है, ना मैं उसको मार्केट में जा सक बेच सकता उसको। इतना दिक्कत आ रही कि मैं आज दहा के उस पर द्वार पर खड़ा हुआ फिलहाल। अब उच्च अधिकारी से आपने शिकायत करी थी, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने मैं भी शुक्रवार को कहा था, शुक्रवार को एक दिन डीएम सामने एकदम उसको डीएफआरओ को फ़ोन किया, डीएफआरओ ने फिर एकदम इसको एडीओ को फ़ोन किया, एडीओ यहाँ आते हैं और प्रधान को फ़ोन करके चले जाते हैं। वैसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या कदम होगा आपका? कदम यह है कि हमने मुख्यमंत्री जी के पास पोर्टल पर डाल दिया, और अब वहाँ से भी कोई नहीं होगी तो हम धरने पे बैठेंगे, और धरने पे भी कुछ नहीं हो तो आत्मदाह की तैयारी है। योगेंद्र सिंह है जी। अच्छा योगेंद्र जी, क्या समस्या है आपसे? समस्या क्यों हंगामा कर रहे हो? हम हंगामा इसी वजह से कर रहे हैं, जब खेत में जा जब पैर में मतलब खारवे हो गए मारे, और इस सब पानी से खेत में आने जाने में बहुत परेशानी है, मेरे पशु को भी परेशानी है, बीमार हो रहे हैं, वो बीमारी के उस पर मरने का कागर पर हो रहे हैं। वे भी प्रधान कुछ इसमें कर नहीं रहा है? कोई भी नहीं कर रहा प्रधान की, कोई भी नहीं कर रहा, सुनता ही नहीं कोई कुछ भी, कहीं फिरे धक्के का दिक्कत दिमाग से ना हो गए तो हम डूब के मर जैसे तालाब में और मरेंगे। जो जो हाल रहा तो जैसे प्रशासनिक अधिकारियों को बताया तुमने इसके? हाँ, बहुत क्या बार कितनी बार जा रहे वहाँ, उन्हें जा तीसरे चौथे दिन पहुँच जाम तो वहाँ होता कुछ है ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही ना कोई सुनता। प्रधान से भी कही आपने? हाँ, सबसे सबसे कह ली हमने, सबसे कह ली। प्रधान क्या कह रहे हैं? करवाऊंगे करवाता कोई है नहीं कोई भी।